लॉकी सीरीज ने मार्वल की टाइमलाइन पर काफी सारे सवाल खड़े कर दिए हैं एंड इन्हीं सवालों के जवाब टीवीए के पास है। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिरकार टीवीए है कौन, टीवीए की हिस्ट्री क्या है, टीवीए आया कहां से है एंड टीवीए के एम्प्लॉयज असल में कौन है एंड टीवीए के कौन कौन से प्रोफेसर है जो की इंचार्ज है या फिर इंचार्ज रह चुके हैं। बाकी सब तो आपको पता ही है की टीवीए सभी रियालिटीज, मल्टीवर्स, ओमनीवर्स, नेक्सस इवेंट्स एंड वेरियंट्स पर नजर रखता है एंड टाइमलाइन को स्टेबल रखता है। वो सब मैं इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन करने वाला, बट आज हम यहाँ बात करेंगे टीवीए की हिस्ट्री एंड उनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोफेसर्स एंड जजेस के बारे में। सो वेलकम टू माय चैनल कॉमिक राजपूत एंड आई एम योर होस्ट मिस्टर राजपूत एंड अभी हम बात करने जा रहे हैं टीवीए के बारे में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ यू आर न्यू हियर देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम इफ यू वांट टू एंजॉय द फ्रेश मीम्स ऑफ मार्वल। सो ऑल लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स बिगिन द वीडियो। टीवीए यानी टाइम वेरियंस अथॉरिटी की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी अक्टूबर 1986 में आई कॉमिक थॉर इशू 372 में एंड टीवीए के क्रिएटर्स है वॉल्ट साइमनसन एंड सैल बस्टमा एंड टीवीए का पूरा क्रिएशन इन दोनों राइटर्स ने डेडिकेट किया है मार्वल के एक कंटिन्यूटी एक्सपर्ट मार्क ग्रीनवॉल्ड को, जो कि मार्वल के लॉन्ग टाइम राइटर एंड एडिटर रह चुके हैं एंड मार्क ग्रीनवॉल्ड की डेथ उनकी 43 इयर्स की एज में हो गई थी एंड टीवीए के क्रिएटर्स ने मार्क को पूरा टीवीए डेडिकेट किया है एंड कॉमिक्स में टीवीए के सभी इम्प्लॉयज मार्क ग्रीनवॉल्ड के ही क्लोन्स थे एंड यहाँ तक कि टीवीए का एजेंट मोबियस की लुक भी कम्प्लीटली इंस्पायर्ड है मार्क ग्रीनवॉल्ड से एंड लाइव एक्शन लॉकी सीरीज में भी मोबियस की लुक को एग्जैक्टली मार्क ग्रीनवॉल्ड की लुक जैसा ही रखा गया है। बट लॉकी की सीरीज में हमें सभी एजेंट्स अलग अलग दिखाए गए हैं एंड टीवीए में सभी एम्प्लॉयज को क्लोन बनाने का रीजन ये था कि टीवीए अपने काम में कोई भी डिस्प्यूट ना आने दे एंड अपने काम में ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी ला पाए, क्योंकि सभी क्लोन्स एक जैसे होने के कारण वो एक जैसा सोचेंगे एंड एक जैसा काम करेंगे तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड सभी काम परफेक्टली होंगे अगर सभी क्लोन्स है तो। एंड इसी कारण टीवीए एक ही जेनेटिक के साथ अपने क्लोन्स को रेडी करता था एंड इसके बाद मार्क ग्रीनवॉल्ड के अलावा एक न्यू कैंडिडेट को हायर किया गया था टीवीए के काम के लिए, जिसका नाम था जस्टिस पीस, जो कि अर्थ 869371 से बिलोंग करता था एंड वो फेडरल पुलिस की स्पेशल सर्विस में काम करता था एंड बाद में टीवीए ने जस्टिस पीस को हायर कर लिया था अपने काम के लिए। जस्टिस पीस की भी हिस्ट्री काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये फ्यूचर से आया था एक अलग टाइमलाइन से एंड इसके पूरी की पूरी दुनिया की डिस्ट्रक्शन का रीजन था टीवीए एंड वो सब कैसे हुआ वो मैं किसी अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स लीव इट हियर एंड कॉमिक्स में जस्टिस पीस का सामना लॉकी, वुल्वरीन, डेडपूल एंड शी हल्क जैसे सुपर हीरोज के साथ भी हो चुका है एंड अब बात कर लेते हैं टीवीए के कुछ मेन प्रोफेसर्स की, जो कि हैं मोबियस एम मोबियस, प्रोफेसर जस्टिन अल्फोंस कैंपबेल, मिस्टर ओरोब्रोस, मिस्टर पैराडॉक, मिस्टर टेसरैक एंड मिनटमैन। सो स्टार्ट करते हैं मोबियस से। तो मोबियस को तो हम सब जानते हैं, सो मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ। तो मोबियस ने टीवीए में अपनी स्टार्टिंग करी थी जूनियर मैनेजर की पोस्ट पर एंड बाद में मोबियस को सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया एंड मोबियस का सबसे पहला केस था फैंटास्टिक फोर का। सो फैंटास्टिक फोर ने टाइम ट्रेवल कर एक इलीगल टाइम का यूज किया था एंड टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ करी थी, तो इस केस का इंचार्ज मोबियस को बनाया गया था एंड मोबियस ने फैंटास्टिक फोर को पकड़ भी लिया था एंड बाद में जब मोबियस को पता चलता है कि फैंटास्टिक फोर ये सब ह्यूमैनिटी के भले के लिए कर रहे हैं, तो मोबियस ने जानबूझकर फैंटास्टिक फोर को टीवीए से भागने में मदद करी एंड अपने टाइमलाइन में वापस जाने दिया। सो द सेकंड प्रोफेसर इज प्रोफेसर जस्टिन अल्फोंस गैम्बल। टीवीए के शुरुआती दिनों में प्रोफेसर गैम्बल टीवीए के बहुत ही होनहार प्रोफेसर रह चुके थे। बाद में टीवीए ने प्रोफेसर जस्टिन को एक वांटेड क्रिमिनल अनाउंस कर दिया क्योंकि वो टीवीए को धोखा देकर टीवीए की एक टाइम मशीन चुराकर अर्थ 616 में जाकर रहने लगा, जो कि है हमारी मेन अर्थ। एंड इसके बाद टीवीए ने प्रोफेसर जस्टिन गैम्बल को मारने के लिए कई सारे रोबोट भेजे जिनका नाम था इंसिनरेटर्स, बट कोई भी रोबोट प्रोफेसर गैम्बल को नहीं मार पाया एंड इसके बाद प्रोफेसर गैम्बल ने अर्थ 616 में अपना एक शो तैयार किया जिसमें वो अपने ही कैरेक्टर के ऊपर शो करते थे एंड इसके बाद जब रोबोट्स इंसिनरेटर्स ने अर्थ पर जाकर प्रोफेसर गैम्बल को ढूंढा तो उन्होंने उसकी जगह उस एक्टर को उठा लिया जो कि प्रोफेसर गैम्बल का रोल प्ले कर रहा था उस शो में एंड इसी कारण टाइमलाइन में एक काफी बड़ा फ्लक्चुएशन आ गया एंड फिर इसी को ठीक करने के लिए प्रोफेसर गैम्बल ने दो सुपर हीरोज की हेल्प ली जो कि थे ल्यूक केज एंड आयरन फिस्ट। सो ल्यूक केज एंड आयरन फिस्ट ने प्रोफेसर गैम्बल के साथ मिलकर इस पूरी टाइमलाइन को अंडू किया एंड थर्ड प्रोफेसर है मिस्टर ओरोब्रोस। टीवीए में मिस्टर
गौरव ब्रावोस की पोस्ट एक जज की थी एंड वो टीवी में बहुत ही बड़े जज थे। एंड जब शी हल्क ने टीवी के रूल्स को तोड़ा एंड टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ करी तो शी हल्क को पकड़कर टीवी में लाया गया एंड शी हल्क के ट्रायल के जज थे मिस्टर ओरोब्रोस। एंड ओरोब्रोस कोई नेचुरली बॉर्न बींग नहीं था, एक्चुअली में मिस्टर ओरोब्रोस एक क्लोन था मिस्टर पैराडॉक्स का। एंड मिस्टर ओरोब्रोस को टाइमलाइन से पूरी तरह से इरेज कर दिया गया था जब मिस्टर पैराडॉक्स को रेडियो एक्टिव कैनन के साथ हिट किया गया था। फोर्थ प्रोफेसर इज मिस्टर पैराडॉक्स। सो गाइस, मिस्टर पैराडॉक्स के बारे में आप इतना जान लो कि इसकी हिस्ट्री काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एंड मिस्टर पैराडॉक्स का सीधा कनेक्शन है डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ। एंड मार्वल यूनिवर्स में पैराडॉक्स को स्ट्रेंज के नाम से भी जाना जाता है। तो उसे स्ट्रेंज नाम क्यों मिला ये भी एक लंबी कहानी है जो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। पैराडॉक्स का काम था पूरे अर्थ पे सभी के सभी मैजिकल ऑब्जेक्ट्स को ढूंढकर कलेक्ट करके डॉक्टर स्ट्रेंज को देना। एंड इसी दौरान मिस्टर पैराडॉक्स की फाइट कई सारे हीरोज एंड विलन्स के साथ हो चुकी है इंक्लूडिंग नेमर। एंड पैराडॉक्स का कनेक्शन टीवीए के साथ उसके क्लोन के कारण है एंड इसके अलावा टीवीए के साथ उसका कनेक्शन कैसे है ये क्लियरली कहीं भी मेंशन नहीं है बिसाइड कॉमिक्स। सो द फिफ्थ प्रोफेसर इज मिस्टर टेसरेक्ट। मोबियस की तरह ही मिस्टर टेसरेक्ट ने भी टीवीए में अपना काम एज ए जूनियर मैनेजमेंट से स्टार्ट किया था एंड बाद में जब मोबियस को सीनियर मैनेजमेंट की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया गया तो फिर मिस्टर टेसरेक्ट को भी मिडिल मैनेजमेंट की पोस्ट के ऊपर प्रमोट कर दिया गया था एंड फिर इसके बाद मिस्टर टेसरेक्ट मोबियस के अंडर काम करने लगे। एंड नाउ द लास्ट प्रोफेसर इज मिनटमैन। सो मिनटमैन टाइमलाइन की पुलिस फोर्स का एक सोल्जर था जो कि अपने सभी काम करने के लिए सभी तरह के टाइम ट्रेवल इक्विपमेंट्स का यूज करता था एंड इन सब को यूज करने की परमिशन खुद टीवीए ने उसे दी थी। एंड एक बार टीवीए ने मिनटमैन को एक ऑर्ब के गोले को प्रोटेक्ट करने का मिशन दिया जिसके दौरान मिनटमैन का सामना हुआ था स्पाइडरमैन एंड वुल्वरीन से। सो ये थी एक छोटी सी वीडियो मार्वल के टीवीए की हिस्ट्री के ऊपर और उनके प्रोफेसर के ऊपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मैं बहुत ही जल्द टीवीए की और कई सारी वीडियोस लेकर आऊंगा और लोकी सीरीज से भी कई सारी वीडियोस आएंगी। सो इफ यू डोंट वांट टू मिस दिस वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड keep supporting and loving. Now I will see you in my next video. Till then, take care and goodbye.